आज के इस न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए एक और न्यू ऑडियो बुक समरी सीरीज लेकर आए हैं। इस ऑडियो बुक समरी को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि यह समरी ऑडियो बुक स्पेशली किन लोगों के लिए है। वो लोग जो इन्वेस्ट करने से डरते हैं, हर वो इंसान जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है। अब इसके बाद हम ऑथर के बारे में जानते हैं। टोनी रॉबिन्स बेस्ट सेलर ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जिसकी 5 बुक्स अभी तक मार्केट में आई है, जिनमें से बेस्ट सेलर अनलिमिटेड पावर और अवेकन द जॉइंट विद इन भी शामिल है। उनके लाइव सेमिनार्स काफ़ी बड़े इवेंट्स होते हैं, जिसे पूरी अमेरिका में कई लाख लोग अटेंड करने आते हैं। टोनी रॉबिन्स लाइफ कोच ट्रेनिंग और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इंट्रोडक्शन, पैसा आपके लिए कितना मायने रखता है? कुछ लोगों के लिए ये बस एक टूल है जो उन्हें चाहिए, उसे हासिल करने का जरिया पैसा है, और कुछ लोगों के लिए पैसा पावर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के लिए अपनी फैमिली, सेल्फ वर्थ और इंटेग्रिटी सब कुछ छोड़ देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पैसा मोह माया है, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर लिखी महज कुछ डिजिट्स है, जबकि कुछ लोगों के लिए पैसा एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो उन्हें फ्रीडम और सिक्योरिटी देता है। बस ये मोह है कि उन्हें जिंदा होने का एहसास दिलाता है। पैसा आपके लिए चाहे जो भी मायने रखता हो, पर एक चीज श्योर है कि आपको मनी को मास्टर करना होगा। मनी आपको मास्टर बना जाएगा। पैसों को यूज करो या पैसा आपको यूज करने लगेगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि मनी एक गेम है, क्योंकि ऐसे कई फाइनेंशियल मास्टर हैं जिन्होंने मनी को कंट्रोल किया। जॉन सी बोगल, वॉरेन बुफे और रे डेलियो ने कई बिलियन कमाए क्योंकि वो मनी मास्टर थे। उनके जैसे ही आप भी शतरंज का मोहरा बनने के बजाय शतरंज की गेम के मास्टर बन सकते हो। इस बुक से आप सीखेंगे कि फ्रीडम फाइनेंशियल कैसे अचीव की जाए, यानी आपके पास इतना पैसा हो कि पूरी लाइफ काम करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो आपको अपनी फैमिली के इलाज, पढ़ाई और शादी की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनकी हर जरूरत को इजीली पूरा कर पाएंगे। ये सब सुनने में सपने जैसा लगता है ना? लेकिन सच हो सकता है, और ये बुक इसमें आपकी हेल्प करेगी। मेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आपके पेरेंट्स शायद आपको यही बोलते होंगे कि खूब मेहनत करो, अच्छी जॉब करो। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपकी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे और आपके बैंक अकाउंट में खूब पैसा होगा। लेकिन सच तो ये है कि कई सालों तक रेगुलर सैलरी मिलने के बावजूद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती है। सालों तक जॉब करने के बावजूद कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। चलो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये तब होता है जब आप बिना इंटरेस्ट लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर देते हैं। इससे हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जमा होता रहता है। कंपाउंडिंग से आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। दो जुड़वा भाई थे। विलियम ने 20 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। हर साल वो अपनी सैलरी से पैसे बचाकर रिटायरमेंट अकाउंट में सेव करता था। उसके अकाउंट में करीब $4,000 तक सेव हो चुके थे। 40 की एज तक उसने लगातार पैसे सेव किए। उसने अब फंड्स जमा करने छोड़ दिए थे, लेकिन अब भी उसकी इन्वेस्टमेंट सालाना 10% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। वहीं उसके ब्रदर जेम्स ने 40 का होने पर इन्वेस्टिंग शुरू की। उसने भी 10% के हिसाब से
साल के डॉलर 4000 इन्वेस्ट किए। अब विलियम और जेम्स दोनों 65 साल के थे। विलियम ने टोटल डॉलर 80,000 इन्वेस्ट कर लिए थे, यानी 20 से लेकर 40 के एज तक 54,000 हर साल। और जेम्स ने टोटल डॉलर 100,000 इन्वेस्ट किए, यानी 40 से 65 की एज तक 54,000 हर साल। तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा अमीर है? किसने अपनी फैमिली और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अर्न की, विलियम्स ने या जेम्स ने? अपने 65 के बर्थडे पर जेम्स के पास टोटल डॉलर 40,000 थे, जबकि विलियम के पास डॉलर 2.5 मिलियन। ये सही है, विलियम ने अपने इन्वेस्टमेंट से 600% पैसा ज्यादा कमाया। पर ये कैसे हुआ? फर्स्ट ईयर में विलियम के 4,000 × 10%, सेकेंड ईयर में 58,000 × 10% हो गए। विलियम ने 40 के एज में फंडिंग छोड़ दी और फिर भी उसका पैसा 10% की ग्रो कर रहा था। इसे कंपाउंडिंग की पावर बोलते हैं। इस स्टोरी से लेसन मिलता है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग करना शुरू करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। विलियम को अर्ली एज में ही इन्वेस्टिंग करने की वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। दूसरी बात, उसने कभी भी इंटरेस्ट के पैसे यूज नहीं किए, चाहे उसे कितनी भी जरूरत थी। और तीसरी चीज, पूरे 2 डिकेड्स तक वो हर साल डॉलर 4000 जमा करता रहा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बुक्स को पढ़ने के बाद आप भी अब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। पर कंपाउंडिंग को हमेशा याद रखना, अपने इंटरेस्ट के पैसे कभी खर्च मत करना। फाइनेंशियल मास्टर बनने का फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने पैसों को ग्रो करने दो। जब आप सोते हो, इसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बढ़ता है। नाउ द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। गेम में एंटर होने से पहले रूल्स को समझ लो। अब शायद आपका सवाल होगा, शायद शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या आपको ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट आपका पैसा हड़पने को तैयार बैठे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, आपको एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म का पता चलता है जो आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको फीस लेंगे। आपका पैसा कहाँ है और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब टेंशन ब्रोकरेज कंपनी की होगी। आइडिया अच्छा है ना, लेकिन असली बात कुछ और है। आप अपना 100% दोगे और बदले में 100% रिस्क भी मिलेगा। ऊपर से आपका ब्रोकर आपके पैसे का 60% हिस्सा अपनी फीस के तौर पर काट लेता है। उसे बस अपनी फीस से मतलब है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ब्रोकर की फीस तो देनी ही पड़ेगी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन 90% अमेरिकन्स को इसी शर्त पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, उनके ब्रोकर्स उनकी लाइफ इन्वेस्टमेंट का 60% से भी ज़्यादा पैसा हड़प लेते हैं। पूरी दुनिया में करीब $13 ट्रिलियन पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है। तो जरा सोचो कि इनमें से कितना पैसा ब्रोकर्स की जेब में जाता होगा। क्यों इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकर्स की मनमानी सहते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, मार्केटिंग। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने इन सारी इन्वेस्टमेंटर्स और कॉन्सेप्ट को इतना मुश्किल बना रखा है कि कॉमन आदमी इन बातों को समझ ही नहीं पाता है और उसे मजबूरी में ब्रोकर्स की सर्विसेज लेनी पड़ती है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर के टॉप पर होती है। ये सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि अपने घरों में बैठे
पोटेंशियल बॉयर्स इसे सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और एंड में प्रॉफिट सिर्फ टोकरी और ब्रोकरेज फर्म वालों का ही होता है। क्या आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है, जिसमें लियोनार्डो डी कॉर्पियो हीरो थे? इस मूवी से शायद आपको कुछ आइडिया मिले। इस मूवी में दिखाया गया है कि लियोनार्डो और उनके ब्रोकर फ्रेंड्स इन्वेस्टर के पैसे पर ऐश करते हैं। ये लोग पार्टीज देते हैं, ड्रग्स खरीदते हैं और मजे करते हैं। तो अब सवाल ये है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट किया जाए। तो जवाब ये है कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। आप ट्रेड के बारे में इस बुक्स में पढ़ सकते हैं और वॉरेन बुफे और रेडालियो की तरह मनी मास्टर बन सकते हैं। लेकिन गेम को ज्वाइन करने से पहले सीख लो, पहले इसके रूल्स को समझ लो और अच्छी तरह से सीख लो। मनी मास्टर का एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। एक स्टॉक इंडेक्स को बास्केट ऑफ स्टॉक्स भी बोलते हैं। S&P 500 इंडेक्स फंड का एक एग्जांपल है। इसमें US की 500 लेंडिंग कंपनी की लिस्ट है, जिसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चूज किया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न जैसी कंपनियां शामिल है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से इन टॉप 500 कंपनीज में आपका भी शेयर बन जाता है। इंडेक्स कंपनीज रातों रात बैंक करप्ट नहीं होने वाली। सेकेंड, इसमें रिस्क कम है और धीरे धीरे रिटर्न्स मिलते हैं। थर्ड, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए फंड आपका बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इनमें किसी ब्रोकर्स की सर्विसेज नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि S&P पहले से ही आपके लिए बेस्ट चूज कर लेता है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम, आपके सपनों की कीमत क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अपने सारे सपने पूरे करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? शायद $1 मिलियन, $10 मिलियन या फिर $100 मिलियन। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि अपने सपनों की लाइफ जीने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आप फाइनेंशियल वाले फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ने अपने एक सेमिनार में लोगों से पूछा कि उन्हें एक खुशहाल और सुकून भरी लाइफ जीने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो वहाँ एक 20 साल के लड़के ने हाथ उठाकर कहा $1 बिलियन। उसका जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये बिलियन डॉलर काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन टोनी रॉबिन्स ने उस लड़के को ये रिप्लाई करा कि अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए जितना वो सोच रहा है उतने पैसे नहीं लगेंगे। अगर तुम्हें बिलियन डॉलर मिल जाए तो तुम क्या करोगे, टोनी ने उनसे पूछा। उस लड़के ने कहा कि वो एक ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट लेगा, न्यूयॉर्क में घर लेगा और बिजनेस मीटिंग के लिए, वेकेशन के लिए बहामास जाएगा। उस लड़के ने ये भी बोला कि वो साल भर में 12 फ्लैट्स तो लेगा ही लेगा। टोनी रॉबिन्स ने उस लड़के के साथ मिलकर थोड़ी रिसर्च की। एक ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट का प्राइस $65 मिलियन पड़ेगा और सेकेंड हैंड जेट का प्राइस $70 मिलियन। तो ये तो सिर्फ जेट का प्राइस था, इसके अलावा मेंटेनेंस, फ्लू और क्रू का खर्चा अलग था। लेकिन वो लड़का प्राइवेट जेट खरीदने के बजाय रेंट पे ले लेता, तो उसे सिर्फ $2500 खर्च करने पड़ेंगे। उसकी फैमिली में 4 मेंबर्स थे, तो एक मीडियम साइज का जेट उनके लिए काफ़ी रहेगा। और अगर वो 100 घंटे हर साल भी जेट से फ्लाई करता है तो उसे $2,50,000 रेंट देना होगा। और अगर उसे प्रीमियम जेट गल्फ स्ट्रीम पसंद हो तो उसका खर्चा $5,00,000 होगा। ये अभी भी एक नया गल्फ स्ट्रीम G560 के मुकाबले काफ़ी सस्ता था। फिर टोनी ने उससे पूछा, तुम अपने बिलियन डॉलर के साथ और क्या करोगे? एक प्राइवेट आइलैंड लूँगा, लड़के ने कहा। टोनी के पास फिजी आइलैंड में खुद का अपना 500 एकड़ का रिजोर्ट है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के चलते
वहाँ पर हर 3 साल में सिर्फ 6 वीक के लिए ही जा पाते हैं। टोनी ने कहा, अगर तुम प्राइवेट अपने आइलैंड को फुली एंजॉय करना चाहते हो तो होटल बिजनेस में एंटर मत करो, क्योंकि फिर तुम अपने प्राइवेट बीच में रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। फिर दोनों ने कुछ और रिसर्च किया तो पता चला कि बहामास में एक आइलैंड $1,00,000 में अवेलेबल है और उसे एक रिजॉर्ट बनाने के लिए $40 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बदले अगर वो लड़का नेक्कर आइलैंड रिजॉर्ट रेंट पे ले ले तो उसका सस्ता पड़ता है, जैसे रिजॉर्ट ब्रांसन ने ले लिया है। अगर वह हर साल 1 हफ्ते के लिए नेक्कर आइलैंड रेंट पे ले लेता है तो उसे सिर्फ $3.5 मिलियन स्पेंड करने होंगे। तो इसे अगर हम ऐड करें तो उस लड़के को अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए $10 मिलियन से ज़्यादा नहीं चाहिए, जिसमें से वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक प्राइवेट जेट से अपनी प्राइवेट आइलैंड में जाकर हॉलीडे इंजॉय कर सकता है। तो यह प्रूफ हो गया कि उस लड़के को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए $1 बिलियन का सिर्फ 1% लगेगा, और वो अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाए तो डेफिनेटली इस फ्रीडम को अचीव कर सकता है। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।